सो हेलो गाइस, इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्लोबल स्पोर्ट्स ने बैक टू बैक वाइप किया था स्क्वाड्स को, जो कि सोल और गॉडलाइक थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट कर दीजिए। गेमिंग उनका भी एलिमिनेशन देखने को मिलता नजर आया और ऐसा लगा नहीं था, मुझे लगा था थोड़ा सा रुक रुक के फाइट होगी, लेकिन नहीं। बट यहाँ पर गॉडलाइक की भी फाइट यहाँ पर पड़ती नजर आ रही है। और ये क्या, एक ही बात एक ही झटके में एक तरफ कार्निवल और दूसरी तरफ गॉडलाइक का भी एलिमिनेशन आ चुका है। लूट, लेकिन फिलहाल आईकू सोल भी एंट्री लेती हुई बैक टू बैक फाइट्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। टीम्स ढूंढ रही हैं, लिटरली हंट कर रही हैं, यहाँ पे ढूंढ रही थी टीम्स को। और अभी आईकू सोल की तरफ से एक अमेजिंग सा पुश, जो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की तरफ से डिफेंड कर पाना। मान्या को डाउन किया इन्होंने जरूर, लेकिन अब जोकर भी डाउन होते हुए स्पोर गेट्स टेकन डाउन एज वेल। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स का कमबैक आ रहा है यहाँ पे, बेहतरीन। नकुल आखिरी खिलाड़ी, 20 के पास मौका है, एक ग्रेनेड की देरी है, एक ग्रेनेड की जरूरत है। अगर वो ग्रेनेड सही जगह पे पुट गया तो नकुल भी डाउन होंगे और टीम आईकू सोल एलिमिनेट हो जाएगी। 20 सामने आ चुके हैं पहाड़ी के ऊपर, रिवाइवल की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। ग्रेनेड आया तो है, लेकिन अब नकुल, ये जरूरत है, ये नीड ऑफ द आवर है। और 20 ने डाउन किया नकुल को, और एक बार फिर से यहाँ पे आखिरी खिलाड़ी बचते हुए। 20 लो एचपी पे है, लेकिन स्लग वहां पे मौजूद है। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स कम्स बैक एट इट, क्या बेहतरीन मैनर में ये पुश डिफेंड किया है। आईकू सोल के पास मौका था, ग्लोबल ईस्पोर्ट्स अपने आप को फाइट से रीसेट ही करवा रही थी कि वहां पे आईकू सोल का पुश आया और ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ने बैक टू बैक दो बड़े नाम एलिमिनेट कर दिए हैं लॉबी से। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में जी फाइटिंग लिख देना।